अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे YouTube चैनल मिस्टर टैग पे आने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि कैसे आपने अपना QR कोड खुद बनाना है और कैसे इसे इसका क्या काम है और ये होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। इसे एक कंपनी वगैरह, कोई भी कंपनी जब कोई भी आप ब्रांड की चीज़ प्रोडक्ट मार्केट से बाय करते हैं तो उसके पीछे उसकी डिस्क्रिप्शन में कंपनी वालों ने एक QR कोड दिया होता है या फिर ज़्यादातर एक बार कोड दिया जाता है। उनका वो कोड उधर डिस्क्रिप्शन में देने का मकसद ये होता है, वो लिंक नहीं देते, कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं देते। जस्ट आपको करना क्या होता है, आपको उस कोड को स्कैन करना होता है। स्कैन आपने कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने उसको स्कैन करना होता है। जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं तो ब्राउजर आपको ऑटोमेटिकली आपका जो गूगल क्रोम का ब्राउजर होता है या फिर आईफोन में आप कुछ कोई भी ब्राउजर आपके पास है गूगल से रिलेटेड, वो आपको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे ले जाता है, उस जहां पे आपको जो इस प्रोडक्ट पे आपने जिस QR कोड को स्कैन किया है उस प्रोडक्ट के हवाले से आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाते हैं या फिर उस जिस कंपनी की वो प्रोडक्ट होती है उस कंपनी के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कंपनी कहाँ की है, उस कंपनी में क्या क्या बनाया जाता है या फिर वो प्रोडक्ट किस कंपनी की है, उस प्रोडक्ट को कैसे कैसे बनाया जाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इसे जनरेट करना है अपना ऑन QR कोड, आपका अपना QR कोड आपने कैसे बनाना है। ये QR कोड आप लिंक से भी इसमें बना सकते हैं, आप इसमें टेक्स्ट में भी बना सकते हैं, मतलब कि इस QR कोड में आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म आपके सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट का लिंक आप इसमें डाल सकते हैं, चाहे किसी भी वीडियो का लिंक, मतलब कि कोई भी लिंक कोई भी हो, वेबसाइट का हो या आपके यूट्यूब चैनल का या फिर किसी भी यूट्यूब की वीडियो का लिंक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब भी कोई आपके QR कोड को स्कैन करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके उस लिंक पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं मैं जिस मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसे जनरेट करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आपको राइट साइड पे आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपने इसको जनरेट करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वहां से जाकर इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। इसे ओपन करता हूँ तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, किसी भी सेटिंग को आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। आपको राइट साइड पर क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आपने क्रिएट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है, आप इसमें अपने किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को, ईमेल को, यूआरएल लिंक को, उसके बाद एप्लीकेशन लोकेशन या फिर टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप लिख पर लिख कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं इसमें लिंक को ऐड करके बता देता हूं। मैं इसमें जो आपको तीसरे नंबर यूआरएल का ऑप्शन मिल रहा है, तीसरे नंबर पर उस पर मैं क्लिक करना हूँ। जैसे ही उस पर क्लिक करता हूँ, ऊपर आपको एम्प्टी पट्टी मिल रही है जिसमें आपको मिल रहा है कि इसमें आपने लिंक को पेस्ट करना है, कोई भी लिंक आपके पास है। तो मैं इसमें लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा इसमें पेस्ट का ऑप्शन मुझे मिलेगा, पेस्ट कर देता हूँ। और आपको इन कोड टीनी URL पे क्लिक नहीं करना, आप बैक चले जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में आपको इन कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर पे आप जाकर के व्हाट्सएप पे, ये आपने किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने, जो चूंकि मुझे ये गैलरी में सेव करना है और आपको इसे स्कैन करके भी दिखाना भी है। जैसे मैं अपलोड टू फोटो पे क्लिक करता हूँ, मुझे उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे मैं अपलोड पे करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये मुझे बता रहा है कि आपने जो कोड QR कोड जनरेट किया वो आपका ऑटोमेटिकली सेफ हो चुका है आपके क्लिक करने पर। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसे स्कैन करके बताऊंगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आप स्कैन करने वाली एप्लीकेशन, QR कोड स्कैन करने वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये डाउनलोड की हुई है, आप कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो आप उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है और आपको ये ऑप्शन दे रहा है स्कैन करने का। मैं अभी स्कैन नहीं करूँगा क्योंकि जैसे ही मैं मोबाइल की स्क्रीन पर इसे करूँगा तो ये फ़ौरन उसे स्कैन कर लेगा। तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर करता हूँ इसे स्कैन करने के लिए। जैसे मैं मोबाइल की स्क्रीन के पास या इस QR कोड पर इसे करूँगा, ये मोबाइल मेरा लॉक हो गया। अब मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। पहले अनलॉक किया और जैसे इसकी स्क्रीन पर करूँगा, ये देखिए, ये
ये स्कैन हो चुका है, अब ये हमें बता रहे हैं आपके पास ये लिंक है और इस तरीके को इस टाइम पर इसे जनरेट किया है। मैं इसे ओपन ब्राउज़र पे कर लूँगा और जिस लिंक को इस मैंने क्यूआर कोड में एंटर किया हुआ है वो मेरे पास यूट्यूब पर ओपन हो चुका हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल का लिंक ऐड किया था। ये देखिए मेरा चैनल ओपन हो चुका है। आप इस तरह अपना लिंक इंटर कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। दोस्तों मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कि कैसे आपने अपना क्यूआर का कोड जनरेट करना है और कैसे इसे अपने यूआरएल लिंक में आपको इसे चेंज करना है या फिर इसमें किसी टेक्स्ट को ऐड करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मजीद इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ आपको जो बेल का आइकन मिलेगा उसे प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।